झेलम टाइम देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा और आप देख रहे होंगे कि काफी संख्या में लोग यहां पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं बाबा जीतो जी देवस्थान बावे तालाब से। आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में लोग यहां पर बाबा जी के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे और काफी कल शाम से ही लोगों यहां पर पहुंचना शुरू हो गए थे। बात करें जम्मू पंजाब हिमाचल दिल्ली और अन्य क्षेत्रों से यहां पर लोग बाबा जी के स्थान पर पहुंचे हैं और अपना आशीर्वाद बाबा जी का आशीर्वाद यहां पर प्राप्त करते हैं। और आप देख रहे होंगे सुबह से यहां पर काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में लोग यहां पर बाबा जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। काफी आस्था यहां पर लोगों में बाबा जी के लिए रहती है क्योंकि हर बार की बात करें तो हर बार कार्तिक पूर्णिमा की दिन ही बाबा जी जीतो जी देवस्थान पर मेला लगता है। और इस बार जो कि मेला जो कि 15 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ये मेला लगेगा। और आप देख रहे होंगे काफी संख्या में लोग कल शाम से ही यहां पर पहुंचना शुरू हो गए थे। आप देख रहे होंगे काफी संख्या में लोग शाम से यहां पर पहुंचना शुरू हो गए थे। बात करें अगर कि जम्मू पंजाब हिमाचल दिल्ली और अन्य क्षेत्रों से लोग यहां पर पहुंचते हैं क्योंकि काफी आस्था यहां पर लोगों को बाबा जीतो जी स्थान पर रहती है। और बात करें अगर किसानों के लिए इन्होंने अपने बलिदान जो कि दिया था और काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। बात करेंगे कि भैया लोगों से बात करवाएंगे कि कहां कहां से आए हैं। भैया कहां से आए हो? बटाला से। कितनी देर हो गए आते हुए? 20-40 साल। आप देख रहे हैं कि ये पटियाला से पहुंचे हुए थे और काफी बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पर 30-40 साल यहाँ पर आते हुए हो गया है और काफी संख्या में आपको अभी हम दर्शन करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में लोग सुबह से ही बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और काफी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। बात करें अगर जीडी की तो जीडी 15 तारीख से लेकर और आप देख रहे हैं कि ये दर्शन आप लाइव दर्शन जो कि अभी हमने आपको करवाया बाबा जीतो जी देवस्थान जीडी से हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में लोग कल शाम से ही यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे। और आज पूर्णिमा है कार्तिक पूर्णिमा और ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही ये मेला लगता है और ये मेला इस बार 15 तारीख से लेकर 24 तारीख तक लगेगा। बात करें अगर एडमिशन की तो काफी यहाँ पर अच्छे प्रबंध यहाँ पर लोगों के लिए किए गए हैं और आप देख रहे होंगे काफी संख्या में लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हैं और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और भी हम आपको लोगों से बातचीत करवाएंगे कि कब भैया कब से आ रहे हो और कब पहुंचे। जब मैं पैदा भी नहीं होता था तब से मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जो बंदोबस्त किया है ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया है। देखो हम लोगों से भी आपकी बातचीत जरूर करवा रहे थे कि लोग जो कि प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पर बंदोबस्त किया गया वो भी बहुत अच्छा। और आप देख रहे होंगे काफी संख्या में लोग बाबा जी देवस्थान पर यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। काफी आशा लोगों में यहाँ पर रहती है बाबा जी के लिए। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफी संख्या में लोग बात करें अगर बाबा जी देवस्थान जीडी की और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि काफी संख्या में लोग यहाँ पर बाबा जी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और हम भी आपको लाइव दर्शन यहाँ से करवा रहे हैं ताकि जो भी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उनके लिए आप यहाँ पर देखिए कि अच्छे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। सबको प्रसाद और यहाँ पर बाबा जी का आशीर्वाद मिल पाए इसके लिए अच्छी सुविधा यहाँ पर की गई है। आप लाइव दर्शन झेलम टाइम के माध्यम से बाबा जी देवस्थान जीडी से कर रहे हैं। बाबा जी देवस्थान जीडी से करो काफी संख्या में आप यहां पर लोग देख रहे होंगे कि यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और काफी आशा यहां पर लोगों की रहती है। और इसके बाद आप यहां पर देख रहे होंगे काफी संख्या में लोगों ने यहां पर अपना चढ़ावा जो कि बाबा जी देवस्थान पर यहां पर खारके के रूप में दिया जाता है वो यहाँ पे यहाँ चढ़ा रहे हैं। और बात करेंगे कि कुछ चीजें अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर भैया कहाँ से आए हैं और कितनी देर हो गया है बाबा जी के स्थान पर आते हुए? हम पंजाब से आए, मैं पहली बार ही आया हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगा, काफी ज्यादा रश है और ठीक लगा, काफी अच्छा लगा। प्रशासन की तरफ से भी अच्छे प्रबंध? हाँ ठीक है, सभी ठीक है, लाइन भी ठीक चल रही है, ठीक है। ये आपको बता दें काफी आस्था यहाँ पर लोगों में रहती है और लोग यहाँ पर बाबा जी के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। अभी हम आपको बाहर बाबा जी यहां पर तालाब के भी दर्शन जरूर करवाएंगे ताकि आप भी देख सकें। और अगर आप भी झिड़ी आने के लिए या बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं तो आप भी यहां पर आए और एक आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें।
काफी संख्या में लोग आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहुंच रहे, काफी आस्था यहाँ पर लोगों में रहती है। आप देख रहे होंगे काफी संख्या में लोग, लंबी लंबी कतारें, सुबह से ही लोग कतारों में यहाँ पे लगना शुरू हो गए थे। और बात करें अगर यहाँ पर लोगों की तो लोगों में काफी आस्था, कब से आ रहे हैं मीनू कटरा घर 30 साल छोटा जो है मम्मी ले आती रही है मैंने इतने। देखो लोगों में काफी आस्था यहाँ पर रहती है और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भैया आप भी बताएंगे कहाँ से आए और क्या नाम है आपका? मैं अमृतसर से आया हूँ। कितनी देर हो गए बाबा जी के स्थान पर आते हुए? बचपन से आ रहा हूँ। कैसा प्रबंध यहाँ पर, अच्छा लग रहा है इस बार? सब कुछ बहुत अच्छा है, दर्शन करके बहुत मजा आ रहा है। क्या कितनी आस्था बाबा जी के लिए आपके पास? मुझे भी नहीं पता कितनी आस्था है, बेहद, कोई लिमिट नहीं है। क्या लोगों को संदेश रहेगा कि अगली बार अगर बाबा जी के स्थान पर आना चाहे तो? आना चाहे और श्रद्धा से आए, जो मांगेंगे वही मिलेगा, जो दिल से मांगोगे वो तो मिलेगा ही मिलेगा। हम यहाँ पे काफी लोगों से आपकी बात हुई, काफी आस्था यहाँ पर लोगों में रहती है, क्योंकि काफी आस्था यहाँ पर लोगों में रहती है और बाबा जी के स्थान पर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हो। देखो तो यहाँ पर काफी ऐसा प्रबंध किया गया है कि किसी को भी किसी चीज की दिक्कत यहाँ पर ना आए, क्योंकि आप देख रहे हो कतारों में यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर सब कुछ चलता है। और हम दर्शन आपको जरूर करवाएंगे बाहर, तालाब के भी दर्शन यहाँ पर लोग यहाँ स्नानों के लिए पहुंच रहे हैं। काफी देख रहे हैं कि आप अच्छे प्रबंध यहाँ पर सरकार के द्वारा किए गए और लोग यहाँ पर दे रहे हैं और काफी आप देख रहे होंगे कि अच्छे प्रबंध किए गए, काफी किसी को भी कोई असुविधा का यहाँ को सामना ना करना पड़े। आप देख रहे होंगे कि काफी लोगों को ऐसे दर्शन करवाए जा रहे हैं कि ताकि किसी को कोई परेशानी यहाँ पर नहीं आए और लोग अच्छे से बाबा जी के दर्शन यहाँ पर कर पाए। आप ये ब्यूरो बावे तालाब से देख रहे हैं, जहाँ पर आपको पता भी है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही बाबा जी का यहाँ पर मेला लगता है, जिसको कि झिड़ी कहा जाता है। और लोग यहाँ से ही इसी मंदिर से दर्शन करने के बाद बड़े मंदिर की तरफ रुट करते हैं और काफी वहाँ पर लोग बच्चों के लिए भी और तालाब में यहाँ पर स्नान करने के बाद वहाँ पहुँचते हैं। बात करें अगर बता दें कि इस बार झिड़ी जो कि 15 तारीख से लेकर 24 तारीख तक है और आज पहला दिन है, क्योंकि लोगों का पहुंचना कल परसों से शुरू हो गया था, मगर आज काफी संख्या में लोग यहाँ पर बाबा जी को दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बात करें अगर बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस अधिकारी और पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए और काफी अच्छे प्रबंध यहाँ पर कि काफी किसी को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए लाइनों में यहाँ पर लोगों को यहाँ से छोड़ा जा रहा है। अरे दो मिनट, और बात करें अगर आप देख रहे होंगे कि काफी संख्या में लोग यहां बाबा जी के स्थान पर पहुंचे हैं और पहले यहां स्नान किया जाता है और उसके बाद बाबा जी के यहां पर दर्शन किए जाते हैं। आप देख रहे होंगे काफी प्रांतों से यहां पर लोग पहुंचते हैं। बात करें अगर जम्मू, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, काफी आस्था बाबा जी के लिए लोगों में रहती है। और आप देख रहे होंगे कि काफी लोग यहाँ पर अपने स्नान करते हैं और उसके बाद ही बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लाइव दृश्य आप झेलम टाइम के माध्यम से देख रहे हैं, बाबा जी देवस्थान झिड़ी के ये दृश्य हैं और यहाँ पर देख रहे होंगे काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि काफी आस्था यहाँ लोगों में रहती है और पहले इसी तालाब में यहाँ पर स्नान करके लोग बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। बात करें अगर कि बाबा जी के लिए और बाबा जी किसानों के लिए, जो कि किसानों को अपना हक दिलाने के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया था उसके लिए उन्होंने अपनी जान तक निशावर कर दी थी। बात करें कि जो जिन्होंने भी कहा जाता है कि जिन्होंने भी उस जो जब ये बलिदान हुआ था और उसमें जो भी राशन यहाँ की मतलब कि कनक जिसने खाई थी वो यहाँ पर आते हैं और बाबा जी के यहाँ पर अपने खारके यहाँ पर देते हैं। काफी आशा यहाँ पर लोगों में रहती है। भैया कहाँ से पहुंचे आप? हम दिल्ली से आए हुए हैं। कितनी देर हो गए यहाँ पे आते हुए? यहाँ से 50 साल से आ रहे हैं। तो कैसा प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम? जो बहुत बढ़िया इंतजाम है प्रशासन की तरफ से। आप देख रहे हो काफी प्रांतों से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, जम्मू, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और अन्य स्टेटों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। बात करें अगर कि यहाँ पर बाबा जी स्थान की काफी आस्था लोगों में रहती है और बात करें अगर कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सुबह से ही यहाँ पर कतारें लगना शुरू हो गई थी और आज लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है और काफी इंतजाम यहाँ पे किए हैं, किसी को भी किसी चीज का कोई
मगर की दर्शन करने में किसी चीज की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए लंबी लंबी कतारें और अच्छे यहाँ पर बैरिकेटिंग पुलिस के द्वारा की गई है ताकि हर लोग यहाँ पर अच्छे से दर्शन कर पाए। आप देख रहे होंगे कि आपको बता दें कि पहले यही इसी तालाब में यहाँ पर स्नान किया जाता है और उसके बाद बाबा जी के यहाँ पर दर्शन प्राप्त किए दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद मेला जो कि बड़ा मेला जो कि झिड़ी में होता है और वहाँ पर लोग यहाँ पर मेले में पहुँचते हैं और आप देख रहे होंगे काफी संख्या में लोग झिड़ी आज पहला दिन है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही ये मेला लगता है और काफी संख्या में लोग यहाँ पर बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं।